चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक मतलबी और एक धोखेबाज को। मतलब अमेरिका मतलबी और ये जो चाइना है ये धोखेबाज है, इन दोनों में आखिर किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। देखो, इनको मैं मतलबी इसलिए करा रहा हूँ यूएसओ को, क्योंकि ये इस मतलब से किसी को याद करता है। जैसे अफगानिस्तान देख सकते हैं, अफगानिस्तान में जब तक इसका काम था ना, तब तक वहां पर अपन सैनिक बिठा कर रख लेता, और जब देखा है कि अब कोई वहां से लाभ नहीं होगा तब बुला लिया सब सैनिक को। आई जो चाइना है ये पीठ पीछे खाली छुरी घोंपने में आ गया, पीठ पीछे खंजर चलाता है, सामने से युद्ध नहीं करता है चाइना। इसी कारण से मैंने चाइना को धोखेबाज कहा है। तो एक मतलबी, दूसरा धोखेबाज, देखते हैं दोनों में टक्कर आज आखिर दोनों में किस चीज को लेकर विवाद चली है। यूएसए और चाइना, यूएसए और ये आपका क्या है, चाइना है, आखिर इन दोनों में किस चीज को लेकर विवाद हो रही है। और साथ में एक चीज और हम लोग जानेंगे, ऑपरेशन युद्ध पोत क्या है, ऑपरेशन युद्ध पोत क्या है, जिससे अमेरिका भी ससुरी डर गया, घबरा गया है कि कहीं हमारे सुपर पावर को छीन नहीं ले, ठीक है ना। तो ये चाइना का युद्ध पोत पावर क्या है, युद्ध पोत ऑपरेशन क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम दोनों में विवाद देखना चाहते हैं किस चीज को लेकर विवाद है। देखो, चाइना सबसे पहली बात है एक ऐसा देश है, मतलब एक ऐसा तानाशाह देश कहिए इसको, ये एक ऐसा तानाशाह देश है जो बहुत सारे सीमा वाले क्षेत्रों से क्या करता है, विवाद करता है। जैसे हम लोग यदि बात करते हैं तो चाइना जो है ना, हम लोग खाली इंडिया से, ये इंडिया का मैप हो गया, इंडिया में क्या कहता है कि गलवान घाटी, ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये दोकलाम हो गया, नाथुला हो गया, त्वांग हो गया, ये सब बोलता है कि मेरा ही क्षेत्र है, ठीक है ना। साथ में ही अगर देश विदेश की हम लोग बात करते हैं तो ताइवान को कहता है कि मेरा है, फिलिस्पीन को कहता है कि मेरा, वियतनाम को कहता है कि मेरा, मतलब इंडोनेशिया को कहता है कि मेरा, ये कहता ना कि जितना भी क्षेत्र है ना सब मेरा है। ससुरी है इतना, मतलब देखी जाए चाइना है, मतलब ज्यादा इसमें ताकत तो है नहीं, लेकिन सबको कह रहा है कि हमारे है, सबको कह रहा है कि हमारे हैं। ईसन ही धंधा बना लिया, ईसन मतलब है ना कि जहाँ देखेगा उसी को कहेगा कि हमार मर्द है, कहेगा कि हमार मर्द है, कहेगा कि हमार मर्द है। अरे चाइना वालों कितना को तुम रखोगे, अगर ज़्यादा हो सकता है तो इंडिया वालों को कौन हम भेज देते हो, तो एक के बार में तुमको जो गर्म हुआ ना ठंडा देगा इंडिया वाले। इंडिया वाले मर्द बहुत मजबूत होते हैं, और खासकर गाँव वाले तो और ही होते हैं। तो ये जो चाइना है ना, बस और पूरी दुनिया में चारों ओर क्या करना चाहता है, कब्जा करना चाहता है चारों दिशा में, मतलब ये सुपर पावर बनना चाहता है चाइना। और इसकी जो कुतबुद्धि है ना, इंडिया में तो चलने वाली नहीं है, इंडिया में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा झड़प इससे चल रहा है, हम लोग के बीच तनाव बहुत ज्यादा है, इसी सब सीमा को लेकर चल रहा है। किसको, तो गलवान घाटी को, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, डोकलाम, नाथुला, त्वांग, ये सब सीमा को लेकर हम लोग के बीच, मतलब इंडिया और चाइना के बीच विवाद चल रहा है। ये सारी क्षेत्रों को कह रहा है कि हमारे है, सब कह रहा है कि हमारे है। और बाहरी देश की बात करते, ताइवान कहता है कि हमारे हैं, ये फिलिस्पीन कहता है कि हमारे हैं, वियतनाम कहता है कि हमारे हैं, इंडोनेशिया कहता है कि हमारे, उस सब पर कब्जा करना चाहता है। यहां तक कि जो नहीं, अपन नेपाल है उसको भी कहता है कि हमारे, उसको भी कब्जा करना चाहता है। हरिजन भूटान वाले क्षेत्र है उसको भी वो कब्जा करना चाहता है। देखो ससुरी, सब क्षेत्र को कब्जा करना चाहता है, सब क्षेत्र के, एगो से मन ना भर रहा है, इंडिया से मन ना भर रहा है, वो बहुत सारे देशों के पास जा रहा है। वो का कहल जाओ यार, ये तो मतलब जो चाइना है ना, ये हद करके रख दिया है। रोज अपने सीमा पर क्या करता है, कहीं ना कहीं युद्ध करता, लड़ाई झगड़ा करते रहता है। अब देखो, ये जो चाइना है अपने आप को विकसित करना चाहता है दुनिया के नक्शा पर, ये अपने आप को बहुत बड़का दिखाना चाहते हैं। ऐसा भी जनसंख्या के मामले में नंबर वन है, जनसंख्या पैदा करने में तो पहले के जमाने में मास्टरी करके रखा था सब, जनसंख्या में नंबर वन गिनल जाता है ये। अब हम लोग बात करते हैं यूएसए और चाइना, इन दोनों के बीच विवाद किस चीज को लेकर हमेशा चलते रहती है। पहली बात है कि चाइना बहुत चालाक है, चाइना करता क्या, देखो चाइना, अमेरिका जो भी टेक्निक लाता है ना, नई नई टेक्निक, तो चाइना उस टेक्निक को सीख लेगा, सीख को अपने देश में बनाकर हर देश में फैला देता है। इससे क्या होता है कि यूएसए अमेरिका का जो मतलब व्यापार है ना, बहुत कम हो जा रहा है, ज़्यादातर वस्तुएं कहाँ से खरीदा जा रहा है, चाइना से खरीद रहा है लोग। और चाइना का एक बहुत बड़का दिमाग लगाता है ना कि सारी वस्तु को सस्ता बना देता है तो बनाएगा तो बेकार वस्तु है, लेकिन सस्ता और आकर्षक बना देता है, जिसके कारण से पूरा देश इसी के वस्तु को खरीदता है, चाइना वाले वस्तु को खरीदता है। तो नया नया टेक्निक कौन लाता है, यूएसए अमेरिका लाता है, लेकिन उसको सीख कर बनाने का काम, पूरे देश में फैलाने का काम कौन करता है, चाइना। अब इससे भाई अमेरिका देख रहा है कि क्रिमोसी की तो हमारे टेक्निक लेके आई पूरे देश में भाई राज करने जा रहा है, तो इससे क्या, और इस चीज को लेकर भी विवाद चल रहा है दोनों में, यूएसए और चाइना में। यूएसए टेक्निक ला रहा है, मतलब अमेरिका नई नई टेक्निक ला रहा है, तो चाइना उसको विकसित कर दे रहा है सीख सीख कर, ठीक है ना। ये पहला रीजन है। और दूसरा रीजन देखो, यहाँ पर जो आपका ये चीनी क्षेत्र, यहाँ पर ऊपर एगो क्षेत्र पड़ता है ये वाला, ठीक है ना, इसका नाम है
इसका नाम है, हम लोग कह सकते हैं सिजियांग कह सकते हैं, ये जो उसके नीचे वाला ये सब तिब्बत वाला क्षेत्र पड़ता है, और ये जो चाइना का क्षेत्र ये वाला जो पड़ रहा है ये सिजियांग है, इसमें बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते हैं लोग। ये चाइना वाले क्या करते हैं, यहाँ के मुस्लिम को बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, बहुत ज्यादा मारते हैं। तो अमेरिका इसके प्रति खड़ा है कि नहीं, तुमको मानवाधिकार उन मानव का अधिकार देना है और लोकतांत्रिक उसको भी क्या करना, घोषित करना है। लेकिन चाइना बोलता है कि ना ये तो हमारे कुछ करे, तुमको उससे क्या मतलब है। अमेरिका जो है ना मानवाधिकार, मानव के अधिकार के लिए और लोकतांत्रिक मुद्दे के लिए क्या कर रहा है, उससे भिड़ा है। यानी जो सिजियांग है ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मुस्लिम का मुस्लिम मतलब मुस्लिम पूरा लोग है, लेकिन क्या करता है चाइना वाले इस मुस्लिम को तो तनिको बुझबो नहीं करते, कूट काट पीट पाट हमेशा करते रहते हैं चाइना वाले। तो इस चीज को लेकर अमेरिका जो है ना हमेशा इस पर क्या करता है, मुद्दा उठाते रहता है, लड़ाई झगड़ा खोजने की कोशिश करते रहता है। तो दूसरा रीजन सिजियांग भी है, इसको लेकर अमेरिका और चाइना के बीच क्या होता है, लपाटे लपाटे मतलब थोड़ा थोड़ी मुहा थुथु थुथु होते रहता है दोनों के बीच। और तीसरा देखते हैं ताइवान। अब देखो जो ये चीन है कहता है कि ताइवान देखो ये ताइवान जो क्षेत्र है ना ये चीन वाला कहता है कि ताइवान मेरा है, हमेशा शुरू से कह रहा है कि ताइवान अलग देश नहीं है, लेकिन ताइवान वाले बोलते हैं कि हम स्वतंत्र देश है। क्या स्वतंत्र देश है? तो जो ये चाइना आपका है ना ये ताइवान को बोलता है कि मेरा है ताइवान को, तो ताइवान को लेकर भी हमेशा अमेरिका और चाइना के बीच क्या रहता है, तनाव रहता है। चाइना बोलेगा कि मेरा है, अमेरिका बोलेगा तुम्हारा नहीं है, क्या कि अमेरिका को सुपर पावर का दर्जा प्राप्त है। तो भाई कोई भी देश आपस में अगर लड़ रहा है, कहीं अटैक कर रहा है, तो अमेरिका को बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अमेरिका को बोलना, ठीक है ना। इसी कारण से अगर सिजियांग हो, चाहे ताइवान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे फिलिस्पीन हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे जो भी हो, अगर कहीं भी चाइना जा रहा है ना तो वहां पर अमेरिका जरूर पहुंचता है, कहता है तू कर वार, हम देखते हैं तू क्या कर रहा है। तो समझ में आ रही, ताइवान को लेकर भी चाइना और अमेरिका के बीच हमेशा ताना मना चलते रहता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा पॉइंट क्या है कि जो चीन है ना, चीन ये यहाँ पर एक ऐसा भीषण युद्ध पोत बना लिया है कि सलाह चाइना है, ये यूएसए मतलब अमेरिका को हिला के रख दिया है। देखो है जो चाइना ना रिमोट पर चलने वाला युद्ध पोत बना दिया, युद्ध पोत रिमोट के सारे। इसका मतलब कि जब युद्ध पोत यदि उसका सफल हो जा रहा है ना तो समुद्र का दादा हो जाएगा, समुद्र में वो अपना दादागिरी करेगा, ना अमेरिका का चलेगा ना रूस का चलेगा, किसी का दादागिरी नहीं चलने वाला है। तो इस चीज को लेकर यूएसए घबरा गया है, यानी यूएसए समझ रहा है कि अगर इसका ऑपरेशन युद्ध पोत सफल हो गया ना तो इसका मतलब है कि वो हमारे सुपर पावर को खींच लेगा। ऐसा ही चाइना सबसे बड़का, दुनिया का सबसे बड़का नौसेना बनाकर अमेरिका को थोड़ा सा पिछड़ा दिया है। यानी चाइना क्या है ना कि यूएसए अमेरिका को नीचा दिखाना चाहता है, अमेरिका को जो सुपर पावर का अधिकार है उसको छीन लेना चाहता है चाइना। तो इस वजह से जो अमेरिकन है इस पर बहुत क्रोधित है कि ससुरी तू हमारा मतलब हमारा जो है सुपर पावर का अधिकार तू छीन लेगा। तो अमेरिका इसी रीजन से लेकर ज्यादातर इससे कि चाइना से युद्ध करना चाहता है, लड़ना चाहता है, एकदम ये लोग तुथामुई होते रहता है जैसे इंडिया वाले से चाइना करते रहता है। मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि चाइना वाले युद्ध के सिवा, लड़ाई झगड़े के सिवा और कुछ काम करते होंगे कि नहीं। ससुरी जहां देखो वही जब बॉर्डर पर लड़ाई झगड़ा करते रहता है, आपस में लड़ते रहेगा, झगड़ते रहेगा। अब है ना कि अब ये है ना कि देखो जो चाइना है ना ये बहुत सारे देशों को अपना दुश्मन बना के बैठा है, बहुत सारा देश को ये अपना आज दुश्मन बना के बैठा है, कौन चाइना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमेरिका के बीच इसका ताना मैंने इसलिए चलता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो चाइना है वो अमेरिका को नीचा झुका देना चाहता है और खुद अपना नंबर वन स्थान लाना चाहता है, कौन चाइना। तो चाइना ऐसे ही नंबर वन स्थान पर थोड़े आया, भाई मेहनत कर रहा तब ना आगे जा रहा है। इसका ऑपरेशन युद्ध पोत यदि सफल हो गया ना तो रियल में अमेरिका का जो आपका ये सुपर पावर वो छीना जाएगा, अब मिल जाएगा चाइना को, अब दादा राज करेगा कौन, तो अमेरिका है, ये चीन राज करेगा। तो इस चीज को लेकर अमेरिका और क्रोधित है और इससे विवाद इसी चीज को लेकर ज्यादातर चल रहा है। तो चार रीजन है यूएसए और चाइना के बीच तनाव का। पहला रीजन क्या था, तो जो अमेरिका है चाइना है ना अमेरिका से टेक्निक सीख के पूरे देश में फैला देता है। और दूसरा क्या है, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मुद्दे को लेकर, जैसे ताइवान पर अटैक करना चाहता है, ये झिगियांग यहाँ पर सिजियांग के लोगों को क्या करता है, बहुत मारता है पीटता है, तो उसको लेकर अमेरिका हमेशा आवाज उठाते रहता है। ताइवान को लेकर भी अमेरिका आवाज उठाते रहता है कि तुम्हारा ये सब क्षेत्र नहीं है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो था सुपर पावर के अधिकार को लेकर, यानी जो चाइना है वो यूएसए को नीचे दिखाना चाहता है, ठीक है। इसी चीज को लेकर यूएसए और चाइना के बीच आपस में युद्ध होते रहता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होते रहता है।
ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आ गई आखिर क्यों चाइना और यूएसए के बीच तनाव और विवाद हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो हम लोग जो ऑपरेशन युद्धपोत में आपको बताना चाहता था वहां पर फोकस करिए। देखो ऑपरेशन युद्धपोत क्या है, तो ऑपरेशन युद्धपोत अगर ये सफल हो जाता है चाइना का, तो समझो ये वर्ल्ड के दुनिया मतलब इस वर्ल्ड में नंबर वन शक्तिशाली मतलब पावर के मामले में नंबर वन आ जाएगा। आज चाइना को जो अमेरिका को पावर अमेरिका को जो सुपर पावर का दर्जा मिला है वो क्या हो जाए छीना जा सकता है। क्या कि भाई देखो युद्धपोत रिमोट पर चलने वाला एक मशीन है, रिमोट पर चलने वाला मशीन है, तो समुद्र में इसका दादागिरी हो जाएगा, समुद्र में राज करेगा, कौन आएगा मारू के लगले गिरा देगा भाई। युद्धपोत जो ऑपरेशन है ना, ये अगर चाइना का सफल हो जाएगा ना, तो ये अमेरिकन लोगों का दशा बिगड़ जाएगा। अमेरिकन तो छोड़िए, इसका जहां जहां बॉर्डर पड़ता है ना, सब जगह जो है ना दशा क्या हो जाएगा, मतलब जिसके पड़ोसी देशों का बिगड़ सकता है, ठीक है ना। इसलिए अमेरिका इससे विवाद कर रहा है, इसी कारण से अमेरिका ज्यादातर विवाद करता है। तो ऑपरेशन युद्धपोत का मतलब ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसके माध्यम से वो रिमोट के आधार पर इस युद्धपोत को चलाएगा, दंगा फैलाते रहेगा, मारपीट करते रहेगा, युद्ध करते रहेगा, समुद्र में इसका दादागिरी हो जाएगा। इसी कारण से अमेरिका मना रहा है कि इसका जो युद्धपोत है ना वो सफल नहीं हो, लेकिन उसके परीक्षण में ये लगा है, वो अपने दक्षिण समुद्री तट पर क्या परीक्षण में लगा हुआ, कौन चाइना सफल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये था ऑपरेशन युद्धपोत, यदि सफल हो जाएगा तो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका का जो सुपर पावर का दर्जा वो छीना जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर चीन और यूएसए अमेरिका के बीच क्या विवाद है। तो चार विवाद है, कौन झिंगियांग ये सिजियांग को लेकर विवाद है, ताइवान को लेकर विवाद है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कौन सा ताइवान को लेकर विवाद है हो गया, उसका टेक्निकल का विवाद है कि जो चाइना है वो अमेरिका जो टेक्निक कराता है चाइना उससे सीख अपना विकसित कर लेता है, और चौथा सबसे बात है कि चाइना यूएसए को नीचा दिखाना चाहता है। तो ये चार रीजन विवाद के हैं। ऑपरेशन युद्धपोत का मतलब वो एक ऐसा युद्धपोत बना रहा है जो रिमोट पर चलेगा, जब वो सफल हो जाएगा तो भाई उसका समुद्र में दादागिरी हो जाएगा, किसी का बस नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये था ऑपरेशन युद्धपोत। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक नई टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।